हेलो, मैं राम कैलाश शर्मा और आज हम आप सबको बताएंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, 11th में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बाय कैलकुलस मेथड जो है डेरिवेशंस को डेराइव करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कितने हैं? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने 9th क्लास में उसको स्टडी किया था और 11th में हम इसको बाय कैलकुलस मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड यहाँ पर डेराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डेराइव करना है किससे? बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे तो ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने 9th क्लास में डेराइव किया था, क्या था? v इक्वल्स टू u प्लस at था। ठीक है, जहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। तो इसको आज हम किससे डिस्कस करने वाले हैं? बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो काम क्या करना है? आप जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी क्या है रेस्ट में है, उस पर हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तो जब वो मोशन में आई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन होगा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अब मुझे इसी की हेल्प से काम क्या करना है? डेराइव कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, विद इन प्रॉपर लिमिट्स हमको काम क्या करना है? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। अब वो प्रॉपर लिमिट्स क्या होंगी? वो प्रॉपर लिमिट्स क्या होंगी? देखिए, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है एट दैट टाइम द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट। देन कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन डी टी का होगा, ये क्या है? डी वी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, तो एट दैट टाइम व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो है उस समय पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? इनिशियल। ठीक है, एंड व्हेन टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू टी, जब टाइम बढ़कर जीरो से क्या हो गया? टी हो गया। ठीक है, एट दैट टाइम द ऑब्जेक्ट विल गेन अ फाइनल वेलोसिटी विच इज वी। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? प्रॉपर लिमिट्स इस पर डिफाइन कर दी। अब इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स की पावर, यानी जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कितना आता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, यह आता है और ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आता है। कैसे आता है? एक्स की पावर ज़ीरो डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर या अल्फ़ाबेट की पावर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है, तो डी एक्स ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ एक्स पावर ज़ीरो कर दिया तो फॉर्मूला ये अप्लाई कर दीजिए, एक्स पावर ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो प्लस वन, कितना आया? एक्स की पावर वन अपॉन वन, दैट इज़ एक्स।
ठीक है. सिमिलरली द इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज वी. यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, फ्रॉम यू टू वी. एंड हेयर ए डी टी का इंटीग्रेशन कितना आ गया, टी. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी. अब सबसे पहले क्या रखना है, अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, ठीक है. और यहाँ पर ए फिर टी माइनस ज़ीरो. तो वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी. वी इक्वल्स टू क्या आ गया, यू प्लस ए टी. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका प्रूफ हो गया. अब इसी की हेल्प से अगर आपको इसमें कितने वेरिएबल हैं, चार हैं, वेलोसिटी फाइनल की इनिशियल की एक्सेलेशन टाइम. अब अगर इसमें से कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा, कम से कम थ्री नोन होंगे, ठीक है. एक ही अननोन होगा. अगर आपको इनिशियल पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेशन पता है, टाइम पता है, देन वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी. क्या अगर कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट में है, एट दैट टाइम यू के लिया जाएगा ज़ीरो, ठीक है. और एक्सेलेशन गिवन करेगा कि हाँ कितना एक्सेलेशन है, वो डिपेंड करेगा किस पे, न्यूमेरिकल पर. किसी गिवन टाइम में वो टाइम होगा, देन वी कैन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. तो चार वेरिएबल हैं, चार में से अगर तीन पता होंगे तो चौथे को हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, ठीक है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका हो गया.